अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक नए दिन के साथ एक नई रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँच सके। आज मैं आपके साथ आलू कीमा बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। तो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर करके रख लिए हैं। आलूओं को मैंने अच्छे तरीके से धोकर छील लिया है और मैंने काट लिया है। आप क्यूब्स में शेप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। तकरीबन आधा किलो मैंने आलू लिए हैं और इनको पानी में रख दिया ताकि वो डिहाइड्रेट ना हो। इसके बाद मैंने ले लिया है आधा किलो ही मैंने कीमा लिया है मुर्गी का। मैंने बारीक पिसवाया नहीं, मशीन पर हाथ पर ही मोटा मोटा बनवा लिया है। और साथ ही साथ हाफ कप कुकिंग ऑयल का लूँगी, दो अदर टमाटर लूँगी जो कि रफली चॉप कर लिए, और साथ ही दो अदर प्याज भी लूँगी। लहसुन अदरक का पेस्ट है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच, और गार्निशिंग के लिए मैं हरी मिर्चें और अदरक के जूलियंस लूँगी। और मसाले, एज़ यू कैन सी, मेरे पास सादा मसाले हैं जो हम अपनी डेली रेसिपी में यूज़ करते हैं। नमक, हल्दी, लाल मिर्च और मोटा कुटा हुआ खुश्क धनिया। और ये आपको पता है मैं हर रेसिपी में यही मोटा कुटा हुआ धनिया यूज़ करती हूँ, मुझे पाउडर पसंद नहीं है पर्सनली। और ऑल स्पाइसेस आप देख सकते हैं वो भी मैं इसमें शामिल करूँगी, जिसमें कड़ी पत्ता, ज़ीरा, काली मिर्च और दालचीनी है। तो करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले कढ़ाही ले लेंगे और इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे हाफ कप। और अपने खाने को हमेशा मीडियम फ्लेम पर बनाना चाहिए, जो हर रेसिपी में आपको एडवाइस करती हूँ। तो जब कुकिंग ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें सबसे पहले, प्याज से भी पहले, हम ऑल स्पाइसेस शामिल करेंगे, यानी गरम मसाला जो मैं आपको बता चुकी हूँ, खड़े मसाले। 30 सेकंड्स के लिए इसको फ्राई करेंगे। जब खुशबू आने लगे और कड़कड़ाने लग जाएं तो इसमें हम शामिल करेंगे प्याज 2 अदद जो कि मैंने रफली चॉप कर लिए हैं, और इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। और तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाएं। अब हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं अच्छे से गोल्डन कलर में, और इसको फ्राई करने के बाद आप जानते हैं सेकंड स्टेप क्या है। इसमें हम शामिल करेंगे 1 से 1.5 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, और इसे भी तकरीबन 1 मिनट तक भूनेंगे, अच्छा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी जो स्मेल और कच्चापन है वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए और जायका भी एडिशनल हो जाए इसमें। फ्राई करने के बाद इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया है। एज़ यू नो, मैं हमेशा बताती हूँ कि थोड़ा सा पानी शामिल किया है ताकि जो लहसुन अदरक का पेस्ट और प्याज हैं वो अच्छे से इसमें भुन भी जाएं और मसाला गल भी जाए। तो जो मसाले हम इसमें शामिल करेंगे वो भी नहीं जलेंगे, आसानी से भुन जाएंगे। तो इसमें हम अपने मसाले शामिल करेंगे। 1 बड़ा चम्मच मैंने शामिल किया है लाल मिर्च का, 1/2 टीस्पून हल्दी का है, और साथ ही साथ नमक है, इट्स अप टू यू आप कितना शामिल करना चाहते हैं। और साथ मैंने 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ धनिया शामिल किया है। थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएं और जलें भी ना। तो इसको तब तक भूनेंगे, 1 से 2 मिनट तक भूनेंगे ताकि मसाले अच्छे से भुन जाएँ। 1 मिनट भूनने के बाद मैंने तकरीबन 2 अदद इसमें टमाटर शामिल कर लिए हैं, और मैं हमेशा से आपको एडवाइस करती हूँ, आप मसाले को जितना अच्छा वक्त देंगे, जितनी अच्छी भुनाई करेंगे, उतना ही बेहतरीन जायका भी आएगा, उतना ही अच्छा कलर भी आएगा, और आपकी रेसिपी डिलीशियस और टेम्पटिंग भी बनेगी। तो ये शामिल करने के बाद मसालों के साथ इसको 8 से 10 मिनट तक भूनेंगे, और साथ साथ पानी भी शामिल करेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं और अच्छे से भुन जाए और सारा मसाला यकजान हो जाए। तो आप देख सकते हैं 8 से 10 मिनट के बाद मसाले का टेक्सचर, उसका कलर और इस तरीके से इसकी शक्ल आ जाएगी। तो जब ये भुन जाएगा मसाला तो उसमें हम कीमा शामिल कर देंगे, और इसको भी तकरीबन मीडियम फ्लेम पर हम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेंगे, और तब तक भूनेंगे जबकि घी अलग ना हो जाए और 50% कीमा गल ना जाए।
थोड़ी ही देर बाद आप देख सकते हैं भूनने के बाद 5 से 7 मिनट बाद कुछ इस तरीके से शक्ल आएगी कीमे की और घी भी अलग हो जाएगा। तो इसमें हम आलू शामिल कर देंगे और इसको भी 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे और साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करेंगे ताकि मसाला हमारा लग ना जाए, जल ना जाए। इसको भी 5 से 7 मिनट तक भूनेंगे। जब आलू 80% तक गल जाएं और कीमा मुकम्मल तौर पर गल जाएगा, आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि अब भुनाई इतनी अच्छी तरीके से हो गई है कि कुकिंग ऑयल सेपरेट हो चुका है। तो इसमें हम शामिल करेंगे पानी। पानी इट्स अप टू यू, ग्रेवी बनाने के लिए, करी बनाने के लिए आप चाहें तो इसको मज़ीद 5 मिनट तक भून कर सर्व भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेवी रखना चाहते हैं तो तकरीबन मैंने 2 कप पानी शामिल किया है, 1 बड़ा ग्लास, ताकि वो ग्रेवी अच्छी बन जाए। और साथ ही साथ मैंने कसूरी मेथी शामिल की है और गार्निशिंग के लिए जो मैंने हरी मिर्चें और अदरक काट के रखी थी वो भी शामिल की है। और 15 मिनट के लिए इसे दम वाली फ्लेम पर रख देंगे ताकि वो थोड़ा बहुत जो कच्चापन रह गया था वो भी मुकम्मल तौर पर गल जाए, पक जाए और जो ग्रेवी है, करी है, वो भी अच्छे तरीके से बन जाए। सो एज़ यू कैन सी, अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी हमारी प्रिपेयर हो गई है और हम इसे रोटी और सैलड के साथ सर्व करेंगे। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी काइंडली कमेंट ज़रूर कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।